साहिल के बारे में बात करेंगे ना, साहिल अभी सबको दिख रहा है लेकिन क्रिएटिन कैसे लेते हैं? तो उसने बोला कुछ नहीं बोला, जब तू जिम को आता है ना तो यहाँ 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 ऐसा लगा कि स्प्रेड करके आ जाने का, बहुत ही अच्छा तेरा बॉडी बनेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यार मैगी से कैसे बॉडी बन सकती है? ऐसे अगर मैगी खाने से अगर बॉडी बनती तो यार हर कोई बॉडी बना लेगा ना, इतना महीने का लाखों रुपए कौन खर्चा करेगा? Hey guys, what's up? This is your boy Vicky Malik. Welcome to my channel all about bodybuilding. तो कैसे हो आप लोग? So दोस्तों आज है इंटरव्यू का पार्ट टू, सुहास खामकर सर का इंटरव्यू लिया है। तो इस वाले इंटरव्यू में गाइस आप सभी को बहुत कुछ सीखने मिला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। बट उससे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ SOS की कस्टमाइज बेल्ट के बारे में। तो गाइस अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी टॉप नॉच है। एंड गाइस सबसे अच्छी बात और बहुत दिल के करीब है मुझे, क्योंकि इस पे आप देख सकते हो ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग लिखा है मेरा ब्रांड। एंड गाइस ये मैंने खरीदा है SOS से, मतलब सोर्स ऑफ सप्लीमेंट से। तो गाइस यहाँ पर आपको बेल्ट तो मिल ही जाएंगे और भी बहुत सारे एसेसरीज वहाँ पे मिलते हैं। बाकी गाइस आपको वहाँ पर मिलेंगे मल्टी ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स, जो भी आपको चाहिए आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। एंड गाइस सबसे अच्छी बात है SOS की कि वहाँ पर आपको मिलता है 100% जेन्युइन प्रोडक्ट विथ GST बिल। तो डेफिनेटली ट्राई जरूर करना। एंड गाइस अभी चल रहा है एक बहुत ही धमाकेदार सेल, तो जाइए और फटाफट अपने सप्लीमेंट स्टैक्स रिफिल कर दीजिए। एंड गाइस डेफिनेटली ऐसे बेल्ट्स जरूर एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बेल्ट है ये। ये मैंने अराउंड 1-2 महीना हो गया मेरे पास, एंड मैं इसे यूज करता हूँ डेडलिफ्ट के टाइम पे, स्क्वाट्स के टाइम पे। तो डेफिनेटली आप भी ट्राई कर सकते हो विथ योर नेम, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाइए एंड डेफिनेटली बाय जरूर करिए। आप फाइनेंशियली अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, मतलब बॉडी बिल्डिंग के साथ क्या आपके कोई स्पॉन्सर है, या फिर आप ये जो भी सारे खर्चे होते हो आप खुद से करते हो? कभी आप इंटरनेशनल ट्रिप मारे हो तो वो कैसे होता था? ये सब सारी चीजें कैसे आपने मैनेज किया? अभी कैसा होता है मालूम है, बोलते हैं ना वो, अगर एक चीज होने वाली होती है तो उसको सभी का सपोर्ट मिलता है, तो मुझे लगता है कि वैसा ही कुछ सपोर्ट मुझे मिला है। मतलब वो भगवान ने ही कुछ, मतलब वो चमत्कार करके रखा था कि एक सुहास खामकर बनेगा और उसके लिए ये सब चीजें होने वाली है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत ही, मतलब खाने की भी प्रॉब्लम्स थे, बहुत ही गरीब परिवार से था मैं, और बॉडी बिल्डिंग जैसे इस फील्ड में तो करियर करने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जो जोश था, जो करने की काबिलियत थी, ये सब बाहर के जो लोग थे उनको दिखती थी। तो कोल्हापुर के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया तो वहां पे मुझे राजे विक्रम सिंह घाड़गे ये साहब मुझे वहां पे मिले, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी, और जो दुनियादारी जो क्या चल रही है वो भी उन्होंने सिखाई। फिर वहां से आगे आकर मुंबई में आ गया, मुंबई आने के बाद यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स खेलने लगा, उस कॉम्पिटिशन में से पैसे मिलने लगे, वो पैसे मैं वहां पे यूज करने लगा। मुंबई में बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जब मैं मिस्टर एशिया के लिए जा रहा था तब, और 2003-04 में मुझे जॉब भी मिली TC की, तो मैं जॉब भी करता था, मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता था। कभी मैंने कभी, मतलब ट्रेनर का जॉब मैंने कभी लाइफ में नहीं किया, क्योंकि मैं उधर थोड़ा सा मतलब जाता तो मुझे लगता था कि मैं मेरे बॉडी बिल्डिंग की तरफ फोकस नहीं कर पाता था। मुंबई में हर कोई ना पैसा कमाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे मैं आया था सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए। और जब मैंने अच्छे लगन से वो बॉडी बिल्डिंग की तो मेरे पीछे वो सब चला आया। मुंबई में मतलब स्टार्टिंग में मैं फुटपाथ पे भी सोया हूँ यहाँ पे लालबाग में, क्योंकि रहने के लिए वो जगह ही नहीं थी। फिर बाद में इधर माटुंगा में एक तालीम में रहने के लिए मेरी इंतजाम हो गया, तो वहां पे रह रहा था। तो उसके बाद में जब 2010 में मिस्टर एशिया के लिए जा रहा था, वो टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली। मतलब कहने वाली बात क्या है, अगर आप कुछ कर दिखाते हो ना तो पूरा समाज, पूरा पब्लिक, पूरे दोस्त जो है ना आपके पीछे खड़े रहती है। तो वो टाइम पे उसमें मीडिया का भी बहुत सारा सपोर्ट मिला था, क्योंकि वो टाइम पे प्रिंट मीडिया ही सब थी,
प्रिंट मीडिया में बहुत सारे मेरे आर्टिकल्स आते थे, बहुत सारे मेरे बारे में चीजें आती रहती थी, और अल्टरनेट डे कुछ ना कुछ मैं कंपटीशन, ये कंपटीशन जीता, वो कंपटीशन जीता, उसमें सब आता रहता था, तो लोगों को मालूम था। तो एक बार एक न्यूज़पेपर वाले ने तो वहां पे बताया था कि ऐसा ऐसा सुहास को फाइनेंशियली खर्चा रहता है, तो उनको कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो पूरे महाराष्ट्र से वहां पे लोगों ने फाइनेंशियली उस अकाउंट में पैसा सेंड कर दिया था, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वहां से फिर बाद में मेरे को जॉब मिला, मेरे बिजनेस चालू हो गए, बहुत सारी मुझे स्पॉन्सर्स आ गए, मेरे अलग से मेरे काम चालू हो गए, तो इसमें से सब ये सब होता गया और मुझे कभी उसकी दिक्कत ही ना आई। और उसके उसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये थी, मैं कंपटीशन में जैसे जैसे खेलने लगा ना, तो उसमें अमाउंट जो है मैं खुद मेरी अमाउंट की वैल्यू जो है बढ़ाता गया। मैंने 5,000 पहले तो कुछ नहीं मिलता था, फिर 100, 500, 1,000, 2,000 आए, 5,000 आए, फिर 25,000 आ गए, फिर लाख रुपए आ गए। उसमें लाख लाख के पांच पांच लाख रुपए में मैंने चार्ज किया है रिबिन काटने के लिए। तो ये मैंने मेरा खुद का ब्रांड वो टाइम पे दिखाया, मैंने वो डेवलप किया और उसमें से बहुत सारे मेरी चीजें आ गई। मैंने वहां वो टाइम पे मैंने तो ये फ्लैट ऐसा लिया था कि मुझे जो कंपटीशन से पैसे मिलते थे ना, उस पैसे से मैंने एक फ्लैट ही खरीद लिया था। तो मैंने इतने कॉम्पिटिशन मैंने जीते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कॉम्पिटिशन पे हो रहे थे तो उतने हो रहे थे। मैं लगातार मैं खेलता था, मैं शोबे में अगर जाता था ना तो मैं लाखों में चार्ज करता था, क्योंकि एक बार एक लेवल पे पहुंचने के बाद मैंने वो सब इनकश कर लिया कैश में। तो ये सब करना आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि जब मुझे स्पॉन्सर की जरूरत थी तो बहुत सारे वो टाइम पे लोगों ने मुझे स्पॉन्सर्स किया और एक लेवल तक मुझे वो जाने तक मदद भी हो गए। लेकिन बाद में हुआ कि फाइनेंशियली कंडीशन मेरी बहुत अच्छी हो गई, मतलब मुझे किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे काम चालू हो गए, मेरे बिजनेस चालू हो गए, पैसा सब जगह से आना चालू हो गया। तो बाद में मैं मेरे जेब से ही खर्चा करके कंपटीशन में जा रहा था। वो फिर कुवैत से लेके सैन मरीनो अभी इटली विटली जब गया तो सब अपनी जेब से ही कर रहा हूँ, और ज्यादा टाइम में मेरे साथ में एक दो लोग भी रहते हैं, तो ऐसा वो सब हो रहा था। और इसके भी आगे जाके क्या, कुछ बॉडी बिल्डर से उनको मैं मेरी तरफ से भी हेल्प करता रहता हूँ, स्पॉन्सर्स करता रहता हूँ, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है और उसमें उतना पोटेंशियल हो कि वो आगे जाके कुछ कर सकता है, तो ऐसा वो सब चालू रहता है। तो सर अभी मैं आपके जिम में गया था, तो आपका जिम मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा वाइब था उधर का, मोटिवेशन था काफी। तो अभी मैं सुन रहा हूँ अभी नया जिम ओपन कर रहे हो आप। हाँ, आपने घाटकोपर का जिम देखा? हाँ, घाटकोपर। तो अभी मेरा एक चेंबूर में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है वो, आरके स्टूडियो के बिल्कुल सामने क्रोमा का शोरूम है उसके ऊपर है वो। और वर्ल्ड की जो नंबर वन ब्रांड है वो इक्विपमेंट उसमें आ रहे हैं, एकदम लग्जरियस जिम आ रहा है और उसका इनॉग्रेशन जल्दी होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सभी आ जाओ वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अभी ना मेरे को एक और क्वेश्चन था कि अभी तो सप्लीमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, A to Z क्या क्या सप्लीमेंट्स है, बट आपके टाइम पे तो कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं होता था, तो आप लोग मतलब देसी टाइप में पूरा वर्कआउट और सब चीजें करते, तो वो कैसे मैनेज करते थे? वो कैसा था, वो टाइम पे सप्लीमेंट नहीं था, तब मैं कॉम्पिटिशन कर रहा था, तो मैं बहुत सारा घूमा, हर एक कोने में मैं घूमा कि क्या खाते हैं, कैसे होता है, क्या रहता है, फैट क्या होता है, गुड फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये सब मैंने देखा घूमा। और फिर अपना दिमाग लगा के कोल्हापुर के अंदर अपने बजट में मैंने अपना डाइट चालू कर दिया। और जैसे ही मैंने वो डाइट चालू किया ना, उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा आया, मैंने कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का टाइटल मैंने जीता नेचुरली। मतलब एक अंडा नहीं, कुछ चिकन नहीं, वो सब दाल वाल खाके, फिर बाद में मैंने उसमें अंडा ऐड कर दिया, फिर चिकन ऐड कर दिया, फिश तो कोल्हापुर में मिलता नहीं था, तो ये जो ऐड किया, तो मैं पश्चिम महाराष्ट्र मतलब सातारा सांगली कोल्हापुर इसका मैंने टाइटल जीता और मेरा महाराष्ट्र श्री के लिए सिलेक्शन हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कुछ विदाउट सप्लीमेंट एनी मेडिसिन उस लेवल तक पहुंचना, तो वो टाइम पे मैंने किया। और जब मैंने मुझे मालूम मुझे याद है अभी भी वो
वो टाइम पे जो विडर का एक वेट गेनर वो टाइम पे आया था, तो वो वेट गेनर मैंने पहले देखा था, मुझे लगता है शायद वो 97 के आसपास वो था, लेकिन उसका कॉस्ट इतना बड़ा था कि हम बेहोश हो गए उसका कॉस्ट देख के। फिर उसके बाद में एक ANS कंपनी करके आया था, वो इधर वडाला में उसका फैक्ट्री था, वो इधर ही बना रहे थे, तो उसमें से कुछ सप्लीमेंट हम लोगों ने यूज किए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। तो वो टाइम पे भी एक एक डब्बा सिर्फ यूज किया, फिर एक साल तक उसमें कुछ लिया नहीं, वो एक डब्बे के ऊपर पूरा साल हम लोगों ने वर्कआउट किया हुआ था, तो ऐसा वो टाइम पे था। लेकिन प्रॉपरली जब मैंने सब सप्लीमेंट्स और ये सब चालू किया ना, वो 2001 में मैंने सब चालू किया, वो टाइम पे मैंने जब जैसे ही लिया ना, उसी साल मैं मिस्टर महाराष्ट्र बना, मिस्टर इंडिया बना, और इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स थे जिनको मैंने स्टार्टिंग में नाम ले लिए जिनके, प्रसाद कुमार, मोहनन, बैजू, नेवी के बड़े बड़े प्लेयर, इनके लेवल में मैं जाके खड़ा रह गया। मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मैं भी खुद शॉक हो गया था कि 21 साल में ऐसा क्या हो गया। वो 21 साल में नहीं हुआ था, वो इतने सालों से जो मेहनत की हुई थी ना, उसका रिजल्ट मैंने सभी लेने के बाद वहां पे मुझे दिखा था। तो वो टाइम पे बहुत अलग था, बहुत मजा थी। सर वो क्रिएटिन वाला शेयर कर सकते हो क्या? तो वो टाइम पे क्रिएटिन नया आया हुआ था, और अभी जब हम वर्कआउट करते थे तो वर्कआउट में हमारे आजू बाजू में इतने मेरे फ्रेंड्स रहते थे, तो हमारा एक 20-25 जन का ग्रुप रहता था, तो हम लोग जैसे बैठे थे तो एक नया बच्चा आया हुआ था, तो वो पूछ रहा था कि क्रिएटिन कैसे लेते हैं। तो हमारे ग्रुप में एक आवले एक लड़का था, उसका था नाम स्वप्निल करके, तो उसने बोला कुछ नहीं बोला, जब तू जिम को आता है ना तो यहाँ 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 ऐसा लगा के स्प्रेड करके आ जाने का, बहुत ही अच्छा तेरा बॉडी बनेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बेचारा लड़का नया था, वो भी हाँ हाँ करके दूसरे दिन सेम करके आ गया। मतलब ये वो टाइम की बात है, लोगों को कुछ मालूम नहीं था वो टाइम के, तो एक थोड़ा कॉमेडी वाला सीन था, अभी भी मुझे याद है वो। ऐसे बहुत सारे किस्से है जो ऐसे लोग करते रहते थे। सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, जो पढ़ना है वो बुक में पढ़ना है, या फिर खुद जहाँ पे कुछ लोग है वहां पे जाके वो नॉलेज खुद देखना है सामने से, जो बता रहा है वो सुनना है और फिर वो फॉलो करना है। इस टाइप का वो टाइम पे नॉलेज था, आज एक क्लिक पे सब आ जाता है। Exactly. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुहास खामकर कमबैक कब तक करेंगे, कोई टाइम डेट बता सकते हैं? इसमें भी कमबैक क्या, अभी वर्कआउट तो चालू हो गया है, अबे आने वाले 2-3 महीने में ही अगर मुझे सही लगा तो मैं आपको स्टेज पे दिखूंगा। तो मुझे नहीं लगाना कि बाबा अभी तक तो मैं रेडी नहीं हूँ, तो मैं शायद वापस से 4-5-6 महीने का और एक्सटेंड करके अगले टाइम में मैं कम्पीट करूंगा, और वन ऑफ द बेस्ट पैकेज लेके आएंगे जो किसी ने अभी तक देखा नहीं है। बिल्कुल, मेरा 100% दूंगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया है, और थोड़ा सा अभी बॉडी बिल्डिंग भी चेंज हो गया है वो हिसाब से, तो अभी देखते हैं अभी कैसा आगे जाने का। सो सर आपका ये प्रेफरेंस क्या है, 2-1-2 कैटेगरी में या फिर ओपन में खेलूंगा? 2-1-2 में ही खेलूंगा मैं, तो उसमें अभी कौन सा शो करूंगा ये वगैरह, वो टाइम पे जैसी मतलब नजदीक वाली कोई कंपटीशन रहेगी उसके ऊपर अपन डिसाइड करेंगे। अभी इस साल सर इंडिया में भी प्रो शो हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडियन प्रोस के लिए। हाँ बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल है, तो उस पे आप क्या बोलोगे? नहीं वही, अब हमारे जो इंडिया की तरफ से जितने भी खेल रहे उनके लिए ऑल द बेस्ट, मैं भी वहाँ पे जाऊंगा ही, लेकिन आने वाले टाइम में देखते उसमें कौन जीतता है, प्रे करेंगे कोई हमारा इंडियन जीते और उसका एक हिस्ट्री बन जाए। exactly, वो फर्स्ट इंडियन रहेगा जो ओलंपिया क्वालिफाई करेगा, जो कि इंडिया में है, तब की बात कर रहा हूँ, बाहर से भुवन चौहान ने किया है मेंस फिजिक डिवीजन में ओलंपिया में क्वालिफाई। अब बात करते हैं सर आपके टाइम के आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन थे? रॉनी कोलमैन। ओके, नहीं इंडियन 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 की अगर बात करेंगे तो वो टाइम पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स थे, तो वो टाइम पे टाइटल्स जब जीतते थे तो उसमें थे प्रसाद कुमार,
वो टाइम पे वो टाइटल जीतते थे, उसके साथ में थे मोहनन, बैजू और हमारे वो एक बेलगांव के सुनील अपटेकर करके एक थे, और हमारे महाराष्ट्र के थे प्रकाश कोइंडे। इनके बहुत नाम सुनता था वो टाइम पे मैं। और जब मैंने बॉडी बिल्डिंग में जब मैंने एंट्री की ना, तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स थे, तो वो टाइम पे सहदेव नेवाकर करके एक बॉडी बिल्डर थे, फिर उसके उसके साथ में अनिल राउत करके एक बॉडी बिल्डर थे, फिर एक श्याम रहाटे करके एक बॉडी बिल्डर थे। तो ये सब मैं मतलब जैसे मैंने इन किया तो ये सब मेरे सामने बॉडी बिल्डर्स थे, तो इनको देख के हमारे महाराष्ट्र में हम लोगों ने ये बॉडी बिल्डिंग की स्टार्ट किया हुआ था, तो ये सब मतलब आइडल के जैसी ही थी। बिल्कुल। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल सर ने 1 करोड़ रुपया इनाम रखा है, अनाउंसमेंट रखा है, मतलब जो भी जीतेगा ओलंपिया इंडियन उसको देंगे वो 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया सॉरी, तो उस पर आप क्या बोलोगे सर? नहीं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को वो मोटिवेट कर रहा है। Exactly. तो मुझे लगता है हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स है इंक्लूडिंग मी, मैं भी करूंगा तैयारी आने वाले टाइम में, लेकिन अभी मुझे लगता है वो उसका जो प्राइज है वो सिर्फ एक इस साल के लिए है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र का भी या फिर हमारे देश का कोई भी ऐसा प्लेयर हो उसे जीते तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और साहिल जो कर रहा है उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। साहिल सर का जब मैंने इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने बताया कि सुहास कामकर के वो बहुत बड़े फैन हैं। अभी कैसा है तो साहिल के बारे में बात करेंगे ना, साहिल अभी सबको दिख रहा है, लेकिन साहिल मुझे याद है वो टाइम पे शायद 2002-3-4 के आसपास की बात है, तो वो टाइम पे साहिल ऐसा पब्लिक में आके खड़ा रहता था कॉम्पिटिशन्स देखने के लिए, और हम लोग स्टेज पे रहते थे वो लाइट्स वगैरह लगे रहते थे और नीचे बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती थी, तो साहिल वो पब्लिक में खड़ा रहता था, तो वो बहुत बहुत सारे कॉम्पिटिशन में मैंने देखा कि वो नीचे खड़ा होकर कॉम्पिटिशन देख रहे हैं। तो साहिल हमारा बहुत पुराना दोस्त भी है, मतलब बॉडी बिल्डिंग उसने भी की है और वो बॉडी बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ बोलता भी रहता है, तो साहिल ने का अपना अलग सा एक लेवल मेंटेन करके है वो। तो सर आप अगर आपके 20 ईयर वाले यंगर वर्जन को, मतलब आजकल की यूथ को ऐसा, उसको क्या एडवाइस दोगे ऐसे जो आपने इतने सालों में सीखा है? मैं एडवाइस यही देना चाहूंगा हमारे बॉडी बिल्डिंग फील्ड के अंदर जितने भी लोग हैं जो करियर बनाना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस, अभी जैसे ही कोई जिम में पैर रख रहा है ना तो उसको चाहिए स्टेरॉइड्स, GH, IGF, AMP और ना जाने क्या क्या। मुझे लगता है आप जितने नेचुरल तरीके से जितना टाइम तक चलोगे उतना दूर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। आप जिम में आते ही, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लो ही मत, लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो ना, आपको क्या इम्पोर्टेंट है वो देखो पहले। बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कौन सा सप्लीमेंट या फिर जो भी कुछ आप ले रहे हैं वो कौन सा इम्पोर्टेंट है वो देखो, जिसमें उस बॉडी बिल्डिंग का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो चीजें क्यों ले रहे हैं और उससे अपने शरीर का नुकसान क्यों कर रहे हो, शरीर के साथ साथ में अपने फाइनेंशियली भी आप वीक हो रहे हो और उसकी जो लत है ना वो लग रही है आपको, मतलब क्या ये टर्मिन एम्प ये जो चीजें है ना, इसका बॉडी बिल्डिंग के साथ दूर दूर तक लेना देना है नहीं, ये सिर्फ आपको डैमेज करता है और सिर्फ डैमेज ही करता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं हर जगह पे ये बोलता रहता हूं सभी को। तो दोस्तों जितने भी जो हमारे यंग क्राउड है वो कोई प्री वर्कआउट करके वो ले रहे हैं, अरे प्री वर्कआउट मतलब क्या, नेचुरल आपके उसमें कुछ है नहीं है क्या, इतना ही ज्यादा लग रहा है एक जगह कॉफी पी लो, एक कप में नहीं हो रहा है 2 कप कॉफी पी लो, ऐसे प्री वर्कआउट लेके अगर आप वर्कआउट करोगे तो उस वर्कआउट को कुछ मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों जो मतलब जो लेने की जरूरत नहीं है वो मत ले लो, और जो लेना भी है वो कुछ टाइम के बाद ले लो, जैसे आपको आगे आने वाले टाइम में उसका फायदा हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग में करियर करने के लिए फायदा हो सकता है और हेल्थी आप हमेशा रह सकते हो उससे। तो यही मैं आप सभी को कहना चाहूंगा मैं।
तो गाइस इसके साथ साथ एक और लास्ट क्वेश्चन दूंगा। तो सर आजकल यूट्यूब पे ना काफी ज्यादा ट्रेंड मचा हुआ है कि मैगी खाने से बॉडी बन जाएगी, सोडा पीने से बॉडी बन जाएगी, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? तो यार मैगी से कैसे बॉडी बन सकती है? ऐसे अगर मैगी खाने से अगर बॉडी बनती तो यार हर कोई बॉडी बना लेगा ना, इतना महीने का लाखों रुपए कौन खर्चा करेगा, तो, है ना? और क्या, सोडा, सोडा से तो कुछ लेना देना है ही नहीं है, सोडे से कभी बॉडी बनती है क्या? तो ये भी जितने भी कुछ आपके सामने दोस्तों आ रहा है ना, इसको सिर्फ आप एक एंटरटेनमेंट करके देख लो और छोड़ दो। मैं या फिर मेरे जैसे और कोई एक्सपर्ट इसमें रहेंगे, वो जब बातें करते हैं वो बातें सुनो, उनका एक्सपीरियंस देखो, वो कैसे करते थे, क्या करते थे, और वो जो उन लोग वहां से आज तक जो करते आए हैं ना हम लोग, इसके सिवा और कोई रास्ता दूसरा है ही नहीं है। और जो कुछ बाकी लोग ऐसे बता रहे हैं ना, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये मुझे लगता है हमारे बॉडी बिल्डिंग को बदनाम और बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं क्या ऐसे लोग? ये गलत बात है, ऐसा मत करो। जो ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कोई बता रहे हैं, उनके लिए भी कहना चाहूंगा, और जो लोग उनका देख के कोई अनुकरण कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, ऐसा गलत मत करो आप। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा इंटरव्यू था, काफी कुछ सीखने मिला, तो थैंक यू सो मच सर। यस, ऑल द बेस्ट तुम्हारे चैनल के लिए भी, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि मेरी दो तीन बार उसमें न्यूज भी तुम लोगों ने चलाई थी, और बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम और यहाँ पे मैसेजेस आए थे कि अरे सर ऐसा ऐसा है एक चैनल, उसके ऊपर वैसे ऐसे, हाँ क्या? और फिर मैंने वो तुम्हारा अकाउंट देख लिया, फिर मेरे मैनेजर ने बताया कि सर ये आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, बोला ठीक है भाई बुला ले उसको। तो ऐसा तुम्हारे इस काम के लिए भी बहुत सारे शुभकामनाएं, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये काम करते टाइम ध्यान रखना एकदम शिद्दत से, और जो जेन्यून है वही काम करने का, वही दिखाने का, गलत चीजें मत दिखाओ। क्योंकि क्या है, अभी जो हमारा यंग जनरेशन है ये सब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके ऊपर है। अगर तुम कुछ चैनल पे गलत बोलोगे तो वो गलत करेंगे, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है तुम्हारे के लिए, समझो ना। आगे जाके तुम भी बहुत बड़े बन सकते हो, बनोगे, और तुम्हारे बातें सुनने लगेंगे, तो इसके लिए तुम्हें अच्छा ही काम करना है, गलत नहीं बोलना है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर।